नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज का जो हाई लगाया है यहां पे 35,807 का, हमने एक पिछला हाई यहां पे लगाया था 35,804 का, हमने हाई यहां पे लगाया है 807 का, हाई हमने यहां पे लगाया है और 807 का हाई लगाने के बाद में हमने 35,580 के आसपास यहां पे हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दिया। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो 330 से 380 के बीच में मिलेगा और उसके बाद रेजिस्टेंस 550, 650, 750 और 850 की सारा रेजिस्टेंस एरिया ही बैंक निफ्टी में हमारे लिए है। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी 35,235 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी नीचे ओपन होकर 35,235 को क्रॉस किया और फटाफट वन वे उसी फ्लो में वो 35,350 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे गया था। अब बैंक निफ्टी में ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो हमें तब प्ले करना है जब ये 850 के ऊपर क्लोज करेगा। ये ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब जो पिछला हाई है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए, यानी 35,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो यहाँ पे आप 35,500 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। अगर किसी ने आज लिया है तो उसका एसएल जो होगा वो 35,400 का, यहाँ पे 35,400 35,380 के बीच का उसको एसएल रख के अपनी पोजीशन को आप होल्ड करके रख सकते हैं अगर आज आपने जाते जाते बैंक निफ्टी को बाइंग किया है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर रेजिस्टेंस है 850 हमारे लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि कल अगर हम मान लीजिए गैप अप ओपन होकर वापस 800 के आसपास से 35,800 के आसपास से नीचे वापस आते हैं तो वापस हम फिर इसी लेवल को देख सकते हैं। तो डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे 35,850 के ऊपर एक क्लोजिंग दे बैंक निफ्टी में, उसके बाद ही नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर आज की क्लोजिंग मान लीजिए 35,235 पे हम ओपन होकर ऊपर की साइड में जाते 35,550 और 35,650 की आज की क्लोजिंग, यानी नीचे से हमने 800 का हाई नहीं लगाया होता और नीचे से जाके हम हायर एंड के आसपास क्लोजिंग करते तब तो ये था कि कल एक मूवमेंट हमें मिल जाती 800 वाली, यानी 35,800 तक हम कल जाते, लेकिन हम 800 को आज टच करके आए हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 800 के पास रजिस्टेंस है और उसी रजिस्टेंस से हम आज पिछली दूसरी बार हम यहाँ पे घूम चुके हैं। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आज हमने सुबह यहाँ पे हम ओपन हुए, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम 235 के ऊपर निकलेंगे तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है, हमें सोचना ही नहीं, डायरेक्ट हमें बाइंग करना है। पहला टारगेट हमारा 350 का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 480 का रहेगा। तो यहाँ पे 480 का टारगेट उसी फ्लो में हम गए यहाँ पे बैंक निफ्टी में और 35,480 के टारगेट को हमने यहाँ पे टच किया, उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा सा होल्ड किए और होल्ड करने के बाद यहाँ पे हम वापस ऊपर की साइड में निकले तो 650, 750 और 800 वाले लेवल हम टच करके वापस नीचे 35,500 के आसपास क्लोज किए हैं। अब देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी जगह पे कहीं पे ओपन होता है तो शांति से बैठे रहेंगे, कुछ हम अभी यहां पे करने वाले नहीं है कल के सेशन में। कल के सेशन में एक मूव कहीं का डायरेक्शनल मूव एक तरफ जाने दीजिए पहले बैंक निफ्टी को। अगर मान लीजिए पहले ये 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ध्यान रखिएगा 800 के आसपास अगर 5 मिनट की कैंडल पे कोई भी यहां पे नेगेटिव कैंडल बनती है या कोई भी बेरिश कैंडल यहां पे बनती है तो आप यहां पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि 800-850 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन हम सेल तभी करेंगे जब हमें यहां पे बेरिश कैंडल मिलेगी, उसके बाद ही सेल करेंगे अगर बैंक निफ्टी शुरुआत में ही यहां पे 200-250 पॉइंट की मूव कर लेता है तब। अब मान लीजिए अगर हम गैप डाउन यहां पे ओपन होते हैं, हम गैप डाउन ओपन होते हैं लगभग 300-200 के बीच में, तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहां पे अगर थोड़ी सी रेंज बनती है बैंक निफ्टी अगर इस जगह के आसपास आके रेंज बनाता है 35,200 और 35,300 के बीच में रेंज बनाता है और वापस इस रेंज को ऊपर की साइड में क्रॉस करता है तो वापस बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, या फिर अगर रेंज बनाने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो वापस हम फिर से 35,000 के पास सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रेंज बननी इंपॉर्टेंट है। कल आप वन वे मूव नहीं कर ट्रेड कर सकते हैं कि कल ओपनिंग में ही हमें ट्रेड मिल जाए। अगर आपके पास कोई ओपनिंग सेटअप है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कल का मूव आप वन ट्रेड मत कीजिएगा कि जैसे ओपन हो कि कोई डायरेक्शनल मूव जब तक नहीं देगा तब तक यहां पे ट्रेड कल का नहीं बनेगा। या तो पहले 200-250 पॉइंट इसको ऊपर जाने दीजिए, यहाँ पे कोई सिग्नल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, या नीचे की साइड में अगर इसी जगह पे ओपन होता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जब ये 400 के नीचे ट्रेड करेगा तो एक ट्रेड आप ले लीजिएगा, मेरे ख्याल से 320 और फिर 200 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तभी यहाँ पे ट्रेड लिए, नहीं तो वेट कीजिए, कहीं पर एक रेंज बनने दीजिए। कल शुरुआती दौर में अगर कहीं पर भी 200-250 पॉइंट की एक रेंज बैंक निफ्टी बनाता है, उस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा फिर हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे
ट्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल है 35,850, जब तक उसके ऊपर हम डेली चार्ट पे क्लोज नहीं करेंगे तब तक ऊपर की साइड की मूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है बैंक निफ्टी में, तो ये नज़र बना के आप जरूर रखिएगा। अगर आप भी हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के जरिए जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे।